राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। स्पीकर चुने जाने के बाद ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी की निंदा की। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान किया था। स्पीकर के प्रस्ताव रखते ही पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला इमरजेंसी के दौरान जान गंवाने वालों की याद में 2 मिनट का मौन रखने को कहा था। सत्ता पक्ष के सांसदों ने मौन रखा, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। कांग्रेस सांसदों का आरोप था कि स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। मौन के बाद स्पीकर ने गुरुवार तक के लिए संसद को स्थगित कर दिया। अब कल गुरुवार को संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। इससे पहले एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला बुधवार को ध्वनि मत से लोकसभा के स्पीकर चुने गए। पीएम नरेंद्र मोदी और सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें आसंदी तक छोड़ने आए। विपक्ष ने मतदान की मांग की थी, उनके उम्मीदवार के सुरेश थे। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने यह मांग खारिज कर दी। पीएम मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था। पीएम ने कहा, ओम बिरला का अनुभव देश के काम आएगा। राहुल गांधी ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप विपक्ष की आवाज दबने नहीं देंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज नहीं दबाई जाएगी, न ही निष्कासन जैसी कार्रवाई की जाएगी। आपका अंकुश विपक्ष पर तो रहता है, सत्ता पर भी रहे। आपके इशारे पर सदन चलता है, इसका उल्टा ना हो। सदन में जब पीएम मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का परिचय कराते वक्त शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम लिया तो विपक्ष के सांसदों ने शेम शेम कहना शुरू कर दिया। सोमवार को जब धर्मेंद्र प्रधान सांसद पद की शपथ लेने गए थे, तब विपक्ष ने सांसदों ने नीट नीट शेम शेम के नारे लगाए थे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।